सहारा निवेशकों ने जमा राशि वापस करने में सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। निवेशकों ने कहा कि पैसा वापस करने के लिए अमित शाह द्वारा जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया पोर्टल नॉन स्टार्टर रहा है। सहारा समूह द्वारा संचालित चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले सैकड़ों लोगों ने जमा राशि वापस करने में सरकार की विफलता के खिलाफ 1 फरवरी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए देश के कई हिस्सों से छोटे जमाकर्ता आए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जुलाई 2023 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल, जिनमें से अधिकांश 26 राज्यों के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से थे, गैर स्टार्टर रहा है। निवेशकों ने कहा कि अधिकांश दावे कमी के आधार पर खारिज कर दिए जाते हैं। ये कमी मुख्य रूप से मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध सहारा निवेशकों के दावों और डेटा के बीच बेमेल के कारण है। दावा की जा सकने वाले अधिकतम रिफंड राशि 10,000 रूपए तक सीमित कर दी गई है, भले ही निवेश की गई कुल राशि कुछ भी हो। मध्य प्रदेश के नौगांव के एक छोटे व्यवसायी कुलदीप जैन ने कहा कि पोर्टल पर सभी दस्तावेज अपलोड करने के बावजूद उनका दावा खारिज कर दिया गया। मोकामा बिहार के पिकू कुमार ने कहा कि ये पोर्टल लोगों के साथ किया गया धोखा, यह सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम करती है, वे उनके ऋण माफ कर देते हैं, लेकिन जब लोगों की बात आती है तो वे कुछ नहीं करते हैं। श्री कुमार जो सहारा के एजेंट थे, उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किराने स्टोर के मालिक चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन उन्हें रिफंड के रूप में 10,000 रूपए भी नहीं मिले। 2023 में सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस संबंध में एक याचिका दायर की, जिसमें छोटे समय के जमाकर्ताओं को रिफंड करने के लिए सहारा से भी रिफंड खाते के अप्रयुक्त कोष से 5,000 करोड़ की मांग की गई। 31 दिसंबर को मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पहले चरण के भुगतान की प्रक्रिया 4 अगस्त 2023 से शुरू हुई और 11 दिसंबर तक पोर्टल पर 3,35,00,000 जमाकर्ताओं से 81,291.50 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए। मंत्रालय ने कहा कि 2,36,066 कार्यकर्ताओं को 215 करोड़ की राशि जारी की गई है। 17 जनवरी को श्री शाह ने कहा कि पोर्टल ने अब तक 2.5 लाख निवेशकों को 241 करोड़ वितरित किए हैं।